थंबनेल आपने देख ही लिया। कॉपीराइट के ऊपर और कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर अब बात करने वाला हूं। चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, चाहे फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हो, जो काम आप पहले करते थे ना, दूसरा फिल्म का ट्रेलर आया उसे अपलोड करा वहां से पैसे कमाए, किसी पिक्चर का ट्रेलर काट के फिर उसको अपलोड कर दिया वहां से पैसे कमाए, अब वो ऐसा नहीं होना। और बहुत सारी वीडियोस को सर्च करने के बाद फिर ये वीडियो आपको अटकी होगी, ऐसा मान के चल रहा हूं। तो इस वीडियो के बाद आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी में सारी की सारी क्लेरिफिकेशन आपको दे दूंगा मैं। बिल्कुल 2022 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको यूट्यूब के बता रहा हूं मैं आपको कि कोई भी बड़ा चैनल होगा ना तो उसको एक कंटेंट आईडी मिल जाती है, और कंटेंट आईडी में क्या होगा कि उस चैनल को किसी भी वीडियो को कोई भी पार्ट, चाहे उसका ऑडियो पार्ट चाहे उसका वीडियो पार्ट, अगर आप कैसे भी मोड़ तोड़ के कुछ भी मिक्सिंग वगैरह करके यूज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आनी ही आनी है। अब क्लेम और स्ट्राइक कहां कहां आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी मूवी का ट्रेलर अपलोड करते हो तो कॉपीराइट क्लेम आएगा वर्ल्ड वाइड, वो किसी को दिखाई नहीं देगा पहला। दूसरा, अगर वो बाई चांस दिखता है तो उसका जो भी अर्निंग होगी वो उसके ओरिजिनल ओनर को चली जाएगी, यानी कि आपको ना फाइनेंशियली प्रॉफिट मिला और ना फिजिकल प्रॉफिट मिला, ना आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ा। यही एक रीजन है कि जितने भी मूवीज के ट्रेलर्स के जो रिव्यूज वाले चैनल थे उन्होंने मूवीज का ट्रेलर पीछे बैकग्राउंड में चलाना बंद कर दिया और वो सिर्फ फोटोज से और अपनी स्पीच से काम कर रहे हैं। किसी भी उसको देख लेना, जितने भी आपके स्टार प्लस के, स्टार गोल्ड के, जितने बड़े बड़े चैनल है, जी टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जितने भी ये वाले प्रोग्राम है, अगर इसका ओरिजिनल ओनर है, उनका खुद का कंटेंट है तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने उनके फिल्म को शूट करके या किसी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से, स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर से यूज करके उसको अपलोड करके कमाने की सोची तो वो नहीं होगी। अब चैनल पे आने का फायदा, कि हमारे चैनल पे आने का फायदा क्या हुआ, आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूं। जो छोटे डेवलपर हैं या जो छोटे चैनल्स हैं या छोटी छोटी मूवीज हैं जिनके पास कंटेंट की आईडी नहीं आई, या जो छोटे लेवल के यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनका कोई भी कंटेंट कहीं से भी डाउनलोड मार के थोड़ा बहुत एडिट करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो और आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। कैसे? जो छोटा ओनर है उसको ट्रेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेट से 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और जो बड़ा कंटेंट आईडी है वो ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड होता है, ऑटो पायलट मोड उनका ऑन रहता है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी। तो जो छोटे छोटे अपने यूट्यूबर्स हैं उनका कंटेंट अगर आप यूज करते हो, तो जो भी कंटेंट आप फेसबुक वगैरह पे यूज करते हो, वायरल कंटेंट यूज करने की बात कर रहा हूं, तो उसको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर डिलीट जरूर कर दो। 3 से 4 दिन में जो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, 3 से 4 दिन में जो आपके व्यूज आ जाएंगे, जो आपका वो वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई भी वीडियो 24-48 घंटे वायरल हो जाती है अगर वो वायरल कंटेंट है, तो जो भी उसकी अर्निंग आएगी वो आपके अकाउंट में ही रहेगी, बस आप उस वीडियो को डिलीट कर दो जिससे उसको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और आपका फेसबुक अकाउंट बैन ना हो। यही एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी अब अगर आपका कंटेंट है तो ठीक, वरना आप किसी और का कंटेंट यूज कर ही नहीं सकते, ना 2 मिनट का ना 2 सेकंड का। और किसी भी फेमस चैनल से अगर आपका कंटेंट कॉपी करते हो तो ऑटोमेटिकली उस पर स्ट्राइक आनी ही आनी है, और 3 स्ट्राइक का मतलब चैनल बंद हो जाता है, और 3 क्लेम का मतलब उसका जो भी प्रॉफिट था वो आपको नहीं मिलना। और पहले ये होता था कि कॉपीराइट क्लेम आता था और सब्सक्राइबर आपके हो जाते थे और वॉच टाइम आपका बढ़ जाता था, अब वो वीडियो सीन ही नहीं होती, यानी कि वो वीडियो चलेगी ही नहीं, किसी और को दिखेगी ही नहीं, तो अब बेकार है। अपनी मेहनत से करो जो करना है, कोई भी क्वेरी हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। थैंक यू।